राजा दशरथ रघुकुल के अत्यंत श्रेष्ठ राजा थे, किंतु एक समस्या थी। अनेक प्रयासों के पश्चात भी, पूजा पाठ करने के पश्चात भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। प्रजा चिंता में थी कि अब आगे क्या होगा, ये रघुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। किंतु इस चिंता से राजा दशरथ मुक्त थे, क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का वो श्राप स्मरण था। जब श्रवण कुमार की मृत्यु भूलवश राजा दशरथ के बाण द्वारा हुई, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी इसी प्रकार अपनी संतान के वियोग में, दुख में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्राप उन्हें स्मरण था। उन्होंने सोचा कि यदि श्राप मिला है तो यह सत्य अवश्य होगा, मैं अपनी संतान के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, इसका अर्थ यह है कि मुझे संतान प्राप्त होगी। वही श्राप उनके लिए वरदान बनकर आया, और जब उचित समय आया तो उन्हें चार पुत्र प्राप्त हुए। तत्पश्चात क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में ये समस्याएं, ये आपदा, ये कठिनाइयां, ये सब तो आते ही रहेंगे। नियति को हम टाल नहीं सकते, जो होना है वो होकर रहेगा, तो जो होना है वो आनंद के साथ क्यों ना जिए। हर समस्या में कहीं ना कहीं आनंद छिपा है, उस आनंद को ढूंढने का प्रयास कीजिए। उस आनंद को उस समस्या से निकालिए, इस मन में रखिए, आनंद के साथ आगे बढ़िए, और इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे।